शाही भाई, मैं आज आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्या प्रकाश के द्वितीय संग्रह में कहा है कि मातृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, माता पिता और आचार्य यह मनुष्य के पालक के तीन गुरु होते हैं। तो मैं आज आपको हमारे पहले गुरु माता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, जो कि प्रश्न के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मात्र 15 वर्ष का आयु थे, तो वो पढ़ाई करते थे। तो एक दिन वो स्कूल गए, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक पत्र लिखा और उनके हाथ में पकड़ाया। तो प्रिंसिपल सर ने वो पत्र, बच्चे ने वो पत्र लिया और घर आया। घर में आके उसने वो पत्र अपनी माँ को दिया। जब उसकी माँ ने वो पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने बच्चे को कहा कि बेटा तू कल से स्कूल नहीं जाएगा। तो उसके बेटे ने पूछा क्यों, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरे स्कूल के प्रिंसिपल, तेरे टीचर्स और उसका स्टाफ इस अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो तुझे पढ़ा सके, और तेरी परवरिश मैं घर पर ही करूँगी। तो बेटा माँ उस बेटे को स्कूल नहीं जाने देती और घर पर शिक्षा देती है। ऐसी वो एक महाविद्यालय बन जाता है और कुछ वर्षों पश्चात जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तो वो अपना घर शिफ्ट करने वाले होते हैं मकान। तो जब अपना मकान शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उस समय एक अलमारी में उनको चिट्ठी मिलती है। तो उस चिट्ठी को वो पढ़ते हैं, तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि ये चिट्ठी वही होती है जो बचपन में प्रिंसिपल सर ने उसको दी थी। जब उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसके आंखों से आंसू आते हैं। जब उस चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बेटा एक नालायक है और इसको हम आज से ही स्कूल से निकाल देते हैं, लेकिन बचपन में माँ ने उसको कहा कि बेटा तू किसी से कमी कम नहीं है, तुझ में सब खूबी है, ये स्कूल ये टीचर्स ये प्रिंसिपल ये सब झूठ कह रहे हैं, तू नालायक नहीं है और तू पढ़ सकता है। और उस माँ ने उस बच्चे को महाविद्यालय बना दिया। इसी तरह इसलिए हमें